आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो आजकल चल रहा है वो टीटी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरफ से दो संघों के बीच लड़ाई चल रही है। वो कह रहे हैं कि मैंने किया है, वो कह रहे हैं कि मैंने किया है। दो गुटों में लड़ाई हो गई है, समझिए। तो एक संघ बोल रहा है कि नहीं, मैंने टीटी स्टूडेंट के लिए ये किया है, वो किया, वो किया है, वो किया है। मगर देखा जाए तो अशोक क्रांति जी ने स्टार्टिंग ये किया था, ये सच बात है। आपको भी मालूम होगा कि ये जो टीटी जो फेल अभ्यर्थियों के लिए अशोक क्रांति ने लड़ाई स्टार्ट की थी, फिर बाद में ये सब आए जो आजकल बोल रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो बाद में आकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और सभी को बहका रहे हैं। इससे ना मेरा घाटा है, ना अशोक क्रांति का घाटा है, ना उनका घाटा है। घाटा तो सिर्फ स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं उनका घाटा है, उनके रिजल्ट में लेट हो रही है। सरकार चाहती है कि नहीं हो, सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है। जो पास वाले हैं उनको भी लटका के रखी हुई है, इसी कारणवश ये लटका के रखी है। जब तक लड़ते रहेंगे हम सब आपस में तो ये होता ही रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, अभी रिजल्ट का फिर टाइम बढ़ेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। अभी दिसंबर लास्ट हुआ, आपका जनवरी फर्स्ट वीक हो जाएगा, सेकंड वीक हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। ये काम बढ़ता रहेगा, जब आपस में लड़ेंगे तो काम ये आगे एक्सटेंड करता रहेगा। मगर जब हम साथ में हो जाएंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे तो ये काम जल्द से जल्द होगा। तो यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो ये है एक दूसरे से लड़ने से ना उनका घाटा होगा ना किसी और का घाटा होगा, सरकार को फायदा होगा, इस अभ्यर्थियों लोग को घाटा होगा। एक तो कितना दिन बाद टीटी का एग्जाम लिया गया है, कई वर्षों के बाद। अब रिजल्ट में जो पास हो गए हैं, जो पास हो गए हैं तो उनको भी लॉस है, जो फेल हैं, जो एक दो नंबर से फेल हैं, दो चार नंबर से फेल हैं, उनके लिए भी लॉस है, क्योंकि क्वेश्चन भी गलत था, उसका मार्क्स मिलना चाहिए। पर इतना लेट क्यों कर रही है सरकार, मार्क्स मिलना चाहिए तो इतना लेट क्यों कर रही है, जल्द से जल्द किया जाए। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।